इस कहानी के लेखक हैं विजेंद्र कुमार कर्ण। मेंटल वार्ड के बिस्तर पर चीखती नताशा को देखकर सूर्यकांत की आंखों से आंसू लगातार निकल रहे थे, लेकिन वो चाहकर भी उसके दर्द को कम नहीं कर पा रहा था। इतनी सुंदर सी दिखने वाली नताशा हड्डियों का ढांचा बनकर रह गई थी। डॉक्टरों ने नताशा को शॉक थेरेपी देने की पूरी तैयारी कर ली थी। उसके सिर के दोनों साइड में शॉक देने के लिए इलेक्ट्रोड लगा दिए गए थे। वह छटपटा रही थी और खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। उसके बाद उसके मस्तिष्क में करंट दिया गया। नताशा जोर से चीखती है। किसी निर्जीव की तरह नताशा अस्पताल के बिस्तर पर पड़ जाती है। हालांकि उसकी सांसें तेज तेज चल रही थी। डॉक्टर उसकी तरफ होपलेस की तरह देखते हैं और फिर वहां से निकल जाते हैं। पिछले 15 दिनों से नताशा की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है। सूर्यकांत ने डॉक्टरों से पूछने की कोशिश की तो डॉक्टरों से उसे कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। वो अपनी नताशा को दूर से देखता है और फिर पुरानी यादों की सड़कों पर उसका हाथ थामे चलने लगता है। शहर के सबसे बड़े मॉल में घूमते नताशा ने सूर्यकांत का हाथ ऐसे पकड़ रखा था जैसे कि वो कोई छोटा बच्चा है, और अगर उसका हाथ उससे छूट जाएगा तो वो कहीं खो जाएगा। तभी सूर्यकांत एक जगह पर रुक गया और नताशा की आंखों में आंखें डालकर उससे पूछता है, वस्त्रों और वस्तुओं के इस विशाल बाजार में तुम्हें कैसा प्रतीत हो रहा है प्रिये? अवश्य ही आनंद की अनुभूति हो रही होगी ना तुम्हें? यहाँ प्रेमालाप करने का आनंद ही कुछ और है। ये तुम किस भाषा में बात कर रहे हो सूर्यकांत? मेरे पल्ले तो कुछ नहीं पड़ रहा, सीधे सीधे बोलो ना। प्रिय, तुम तो आर्य पुत्र के हृदय की बात समझ जाया करती थी, आज क्या हुआ? सूर्यकांत बोलो ना, और ये मजाक छोड़ो, ये सैकड़ों साल पुरानी भाषा में वार्तालाप बात क्यों कर रहे हो? मैं कह रही हूँ ना, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, प्लीज नॉर्मल बातें करो। ओके माय लव नताशा, मैं नॉर्मल बातें करता हूँ। हाउ आर यू फीलिंग माय लव इन दिस बिग मॉल? हाँ अब ठीक है। मैं तो डर ही गई थी कि तुम्हें हो क्या गया है। वैसे तुम्हें हुआ क्या था सूर्यकांत, जो तुम ऐसी भाषा में बात कर रहे थे जो समझ ही नहीं आ रही थी? अरे क्योंकि मैं मॉल में हूँ ना, इसलिए ऐसी बातें कर रहा था जो समझ नहीं आती। अब तुम ही बताओ, 2000 की शर्ट, 4000 के जूते, साला जो कॉफी बाहर 10 की है वो यहाँ 200 की मिलती है, और मेरा फेवरेट डोसा भी 200 का। तुम ही बोलो, यहाँ की भाषा आई तुम्हें समझ में? मुझे तो सरोजनी मार्केट की भाषा समझ में आती है, अपनी जेब में फिट होती है वो। मुझे भी वही की भाषा समझ में आती है सूर्यकांत, यहाँ तो मैं सिर्फ सेल्फी लेने के लिए आती हूँ। चलो स्माइल करो और लेते हैं एक सेल्फी। स्माइल करते हुए सूर्यकांत और नताशा ने सेल्फी ली और फिर वे दोनों निकल पड़े सरोजनी मार्केट की ओर। सूर्यकांत और नताशा ने लव मैरिज की थी। आज सूर्यकांत का बर्थडे था, इसलिए नताशा उसे लेकर मॉल में आई थी। सूर्यकांत एक लेखक है जो कई सालों से स्ट्रगल कर रहा है। कभी उसे कुछ काम मिलता है, कभी कुछ भी नहीं। लेकिन एक प्राइवेट कंपनी में कंप्यूटर ऑपरेटर नताशा को पूरी उम्मीद है कि एक ना एक दिन सूर्यकांत का भी टाइम आएगा। अपनी सेकंड हैंड बाइक में नताशा को बिठाकर सूर्यकांत जब सरोजनी मार्केट की ओर जा रहा था, तभी रास्ते में हमेशा की तरह उसकी बाइक बंद हो गई। उसने किक पर किक मारी लेकिन उसकी बाइक स्टार्ट ही नहीं हुई। सूर्यकांत, कितनी बार कहा है, तो मेरी बात क्यों नहीं सुनते? प्लीज मेरी बात मान लो, किश्तों पर नई गाड़ी ले लो ना, मैं भर दूंगी ना किश्त। अरे क्या जरूरत है नताशा, चल तो रही है ये बाइक। ये चलती कम और रुकती ज्यादा है सूर्यकांत। सूर्यकांत बाइक को हाथों से खींचता हुआ जा रहा था। नताशा चुपचाप उसके साथ चल रही थी। अचानक रास्ते में आने वाली एक बहुत ही पुरानी किताब की दुकान पर सूर्यकांत की नजर गई। सूर्यकांत रुक गया और किताब की दुकान की ओर देखने लगा। नताशा ने भी देख लिया था कि सूर्यकांत उस किताब की दुकान की ओर देख रहा है। सूर्यकांत को किताबों से बहुत प्यार था। उसके पास ना जाने कितनी पुरानी और नई किताबों का संग्रह था। जब भी उसकी कमाई होती तो वो थोड़े पैसे अपनी किताबों के लिए जरूर रखता और बाकी पैसे नताशा को दे देता। सूर्यकांत ने अपनी बाइक स्टैंड पर खड़ी की और फिर वे दोनों उस दुकान पर गए। सूर्यकांत किताबों को देखने लगा। जानती हो नताशा, पूरी दुनिया में ना सिर्फ ये किताब ही है,
जिसे देखकर मन करता है कि मैं चोरी कर लूं। पागल हो क्या? सीसीटीवी लगे हैं यहाँ पर, तुरंत जेल के अंदर होंगे। अरे मैं चोरी थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो बस एक बात कह रहा हूँ। किताबों को देखते देखते सूर्यकांत की नजर एक बहुत ही पुरानी किताब पर गई। उस किताब का नाम था नीलावंती। उस किताब के पन्नों को देखकर लग रहा था कि कीड़ों ने उसे थोड़ा नुकसान पहुंचाया था, लेकिन पता नहीं उस किताब में ऐसा क्या अट्रैक्शन था कि उसने वो किताब खरीद ली। बाइक ठीक कराकर वे दोनों अपने घर पहुंचे। आज बहुत थक गई हूँ सूर्यकांत। अरे कोई नहीं माय डियर वाइफ, मैं बनाता हूँ खाना। बोलो क्या बना दूं, शाही पनीर, दम आलू या? अचानक कमरे की बेल बजी। सूर्यकांत ने दरवाजा खोला तो सामने एक पिज्जा डिलीवरी बॉय मुस्कुराते हुए खड़ा था। उसने पिज्जा सूर्यकांत के हाथों में दिया और कहा, सर रेटिंग दे दीजिएगा प्लीज। डिलीवरी बॉय वहां से चला गया। मुझे तुम्हारी यही आदत ठीक नहीं लगती, तुम बहुत फिजूल खर्च करती हो, क्या जरूरत थी पिज्जा की? हाँ, नताशा सूर्यकांत के पास आई और उसे गले लगाते हुए कहा, आज बर्थडे है तुम्हारा, इतना तो बनता है सूर्यकांत। आई लव यू नताशा। पता नहीं वो दिन कब आएगा जब मैं तुम्हें तुम्हारे जन्मदिन पर किसी आलिशान होटल में पार्टी दूंगा। आएगा सूर्यकांत, जरूर आएगा, उसके पहले मैं मरने वाली नहीं। मरने की बात को सुनकर सूर्यकांत चिढ़ गया और नताशा को प्यार से घूरने लगा। दोनों ने पिज्जा खाया। सूर्यकांत को कुछ लिखना था इसलिए वो लिखने बैठ गया और नताशा अपने बिस्तर पर गई। बिस्तर पर उसकी नजर उस किताब पर पड़ी जो सूर्यकांत खरीद कर लाया था। मुझे कहता है कि मैं फिजूल खर्ची करती हूँ और खुद देखो ये फटी चिटी किताब पूरे 600 रुपए देकर खरीद लाया है। वो किताब भले ही फटी चिटी थी लेकिन उसका कवर इतना आकर्षक था कि नताशा उस किताब को पढ़ने का मोह नहीं छोड़ पाई, वो उसे पढ़ने लगी। अरे इस किताब में तो अलग अलग मंत्र लिखे हुए हैं। नताशा को पता नहीं था कि नीलावंती कैसी किताब है, ना ही उसे उस किताब से जुड़े श्राप का पता था, लेकिन कुछ मंत्रों को पढ़कर उसे ऐसा लगने लगा कि ये बिल्कुल ही अलग किताब है। नीलावंती किताब में धन पाने से लेकर भूत प्रेतों से बातचीत, जानवरों की भाषा समझने की कला, दूसरी दुनिया के लोगों से संवाद कैसे किया जाए, ऐसे अनगिनत मंत्र लिखे हुए थे। वो उन मंत्रों को पढ़ी जा रही थी और उसमें खोती जा रही थी, तभी सूर्यकांत वहां आ गया। अरे आज तो मुझसे पहले तुमने ही ये किताब पढ़नी शुरू कर दी। सूर्यकांत ये अद्भुत किताब है, जानते हो इसमें ऐसे ऐसे मंत्र हैं जिससे हम कुछ भी पा सकते हैं। अच्छा सफल राइटर बनने का भी कोई मंत्र है क्या? सूर्यकांत की बातों पर नताशा ने उसे घूर कर देखा। तुम्हें मजाक लग रहा है तो खुद देख लो। नताशा मुझे तो जोरों की नींद आ रही है, कल सुबह देखूंगा। और हाँ कल तुझे ऑफिस नहीं जाना क्या? चल तू भी सो जा। आधी रात का समय था। नताशा अपने बिस्तर से उठती है और जोर जोर से हंसने लगती है। उसके हंसी की आवाज से सूर्यकांत की नींद खुल जाती है। आ? क्या हुआ नताशा, क्या हुआ तुझे, तू इस तरह क्यों हंस रही है? नताशा उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती, सिर्फ उसकी ओर घूर घूर कर देखती है। नताशा क्या हुआ तुझे, अरे तेरी तबीयत तो ठीक है ना? नताशा अब भी उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती और वो शीशे के सामने जाती है। उसके बाद अपने बालों से रबर बैंड खोलकर फेंक देती है, फिर अपने दोनों हाथों से अपने खुले बालों को जोर जोर से खींचने लगती है। वो इतने जोर से बालों को खींचती है कि बालों का बड़ा सा गुच्छा उसके हाथों में आ जाता है। ये तुम क्या कर रही हो नताशा, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? नताशा एक जोरदार लात सूर्यकांत को मारती है, वह दूर जा गिरता है और दीवार से उसका सिर टकरा जाता है, खून की धार बहने लगती है। वह अपने हाथों से खून को रोकने की कोशिश करता है लेकिन खून की धार इतनी तेज थी कि वो नहीं रुकती है। उसका सिर चकराने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। नताशा अब भी अपने बालों को खींच रही थी और अब तो वो अपने बालों को इतने जोर से खींच रही थी कि बालों के साथ सिर का मांस भी बाहर आ रहा था, लेकिन वह दर्द की परवाह किए बिना अपने बालों को खींचती ही जा रही थी। कुछ देर बाद सूर्यकांत को होश आया तो उसने देखा कि नताशा बेहोश लेटी हुई है और उसका सिर खून से भरा हुआ है। वो उसे लेकर अस्पताल जाता है, डॉक्टर उसे एडमिट कर लेते हैं, स्लाइन की बोतल उसे लगा दी जाती है। सूर्यकांत उसके बगल में बैठा स्लाइन की बोतल से बूंद बूंद गिरते हुए दवा की बूंदों को देख रहा था। उसे देखते देखते उसे कब झपकी आ गई,
उसे पता नहीं चला। अचानक उसे अस्पताल के लोगों का शोर सुनाई पड़ा। वो हड़बड़ा कर उठ गया। उसने देखा कि नताशा ने खुद से ही स्लाइन की पाइप अपने हाथ से निकाल ली है, जिससे लगातार खून निकल रहा है। नर्स उसे पकड़ने की कोशिश करती है तो वो उनके बाल पकड़कर उसे मारने लगती है। थोड़ी देर बाद उसने अस्पताल की दीवार से अपना सिर जोर जोर से मारना शुरू कर दिया। सूर्यकांत ने जब उसे पकड़ने की कोशिश की तो उसने उसे फिर से जोर से लात मारी। डॉक्टर ने एक इंजेक्शन देकर उस पर किसी तरह काबू किया, लेकिन जब डॉक्टरों ने ये कहा कि नताशा को मेंटल वार्ड में शिफ्ट करना होगा तो वो शॉक्ड रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से ऐसा क्या हो गया जो नताशा ने ऐसी हरकतें करनी शुरू कर दी। सूर्यकांत अपने जीवन में इतना परेशान कभी नहीं रहा था। उसने कितने सारे फेलियर झेले थे, लोगों ने उसका कितना मजाक उड़ाया था, लेकिन नताशा उसके साथ थी तो उसे लगता था कि वो दुनिया का सबसे अमीर और सक्सेसफुल आदमी है। सूर्यकांत को इन दिनों अब नींद भी नहीं आती थी। वो रात रात भर उल्लू की तरह जागता रहता और नताशा के बारे में सोचा करता था। पिछले कई दिनों से ना तो उसने कुछ पढ़ा था और ना ही एक शब्द लिखा था। आज भी वो बिस्तर पर लेटा नताशा के बारे में ही सोच रहा था। अचानक उसकी नजर उस किताब पर गई जो उस दिन उसने अपने बर्थडे पर खरीदी थी। इन दिनों उसके जीवन में इतनी हलचल मची थी कि उसे उस किताब का ध्यान ही नहीं रहा। लेकिन उस रात नीलावंती पर नजर पड़ते ही सूर्यकांत को नताशा की वो बात याद आई जो उसने उस दिन कहा था। सूर्यकांत, ये अद्भुत किताब है, जानते हो इसमें ऐसे मंत्र हैं जिससे हम कुछ भी पा सकते हैं। सूर्यकांत किताब पढ़ना शुरू कर देता है। जैसे जैसे वो किताब के पन्नों को पढ़ते जाता है वो उसमें डूबने लगता है। 3 दिन हो गए हैं सूर्यकांत उस किताब को ही पढ़ ही रहा है। उसे छोड़ने का उसे बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। उसे किताब के एक एक मंत्र जादुई से लग रहे थे। उसे पूरी उम्मीद थी कि वो इस किताब के मंत्र द्वारा अपनी नताशा को ठीक कर देगा। आज 5 दिन हो गए थे। सूर्यकांत उस किताब के आखिरी पन्ने और आखिरी मंत्र को पढ़कर किताब बंद कर रहा था। तभी उसे ऐसा लगा कि उस किताब से लोहे की जंजीरें निकल रही है और उन जंजीरों में वो बंधता जा रहा है। ये क्या क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या हो रहा है, इस किताब से ये जंजीरें कैसे निकलने लगी। सूर्यकांत उन जंजीरों से बचने की कोशिश करता है लेकिन वह असफल हो जाता है। सूर्यकांत जंजीरों में लिपटा बिस्तर पर लेटा हुआ है। अचानक उसकी नजर एक चूहे पर जाती है जो उसके ऊपर आ बैठा है। सूर्यकांत उस चूहे को भगाने की कोशिश करता है लेकिन शरीर जंजीरों से बंधा होने के कारण वह ऐसा नहीं कर पाता है। वह चूहा पहले तो उसके शरीर पर भागता दौड़ता है, फिर उसके कपड़ों को कुतरने लगता है। धीरे धीरे कपड़ों के साथ साथ वह चूहा उसके शरीर के मांस को भी नोचने लगता है। सूर्यकांत जोर जोर से चीखता है। चूहे के नुकीले दांत उसके शरीर के मांस को खा रहे थे और वो चीख रहा था। फिर एक एक कर कई सारे चूहे वहां पर जमा हो गए और उन सब ने सूर्यकांत का मांस नोचना शुरू कर दिया। पूरा बिस्तर खून से भर गया। सूर्यकांत दर्द को बर्दाश्त कर रहा था लेकिन कब तक वो बर्दाश्त करता। वो बेहोश हो गया। रात के 12:30 बज रहे थे। बाहर कुत्ते के भौंकने की आवाज लगातार आ रही थी। अचानक सूर्यकांत की बेहोशी टूटी लेकिन वो तो बिल्कुल ठीक था। ना तो उसका शरीर जंजीरों से जकड़ा हुआ था और ना ही वहां कोई चूहे थे। ये क्या है, सब कुछ तो ठीक है, फिर वो जो सुबह मेरे साथ हो रहा था वो क्या था। सूर्यकांत के जहन में सवाल तो कहीं थे लेकिन जवाब एक भी नहीं। अब उसे नताशा की याद आने लगी। उसने कैलेंडर में डेट देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ क्योंकि जब उसने किताब पढ़ना शुरू किया था तो 17 तारीख थी और आज 22। 5 दिन से वो घर पर ही था। ना तो उसने कुछ खाया था और ना ही पिया था। वो नताशा से मिलने हॉस्पिटल भी नहीं गया था। मुझे नताशा से मिलने जाना होगा। आज 5 दिन हो गए, मैं उस नीलावंती किताब में इतना खो गया कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। वैसे मेरे पास अब वो मंत्र है जिससे मैं अपनी नताशा को ठीक कर दूंगा। सूर्यकांत रात में ही अस्पताल जाने की तैयारी करने लगा लेकिन जब वो अपने घर के दरवाजे पर ताला लगा रहा था
तो पता नहीं उसे क्या हो गया, उसने लोहे के ताले से खुद के सिर पर जोर जोर से मारना शुरू कर दिया। उसके सिर से खून लगातार बह रहा था, लेकिन वह उसकी परवाह किए बिना उस लोहे से अपने सिर पर वार करता रहा। खून से लथपथ सूर्यकांत पागल सा हो गया था। फिर वह अपनी सोसाइटी की छत की ओर जाने लगा। खून की बूंदें जमीन पर गिरती जा रही थी। छत पर काली रात उसका इंतजार कर रही थी। सूर्यकांत छत की मुंडेर पर चढ़ा। उसने अपने दोनों हाथ खोले और वो 20 मंजिला छत से नीचे कूद गया।